वेलकम माय व्यूअर्स, आपका मेरे चैनल भारत रसोई में बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भिंडी की एक ऐसी रेसिपी जो आप अपने घर पर बनाएंगे तो बहुत ही जायकेदार और स्वादिष्ट लगेगी। और रेसिपी का नाम है भिंडी दो प्याजा। आइए सबसे पहले जान लेते हैं भिंडी के कुछ फायदे। भिंडी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके स्वास्थ्य से रिलेटेड अनेक फायदे हैं, उनमें से मैं कुछ फायदों को बता दे रहा हूं। भिंडी में मौजूद एलिमेंट आपके आंतों से विषैले तत्व को बाहर कर देती है और आपके आंतों को स्वस्थ बनाती है, जिससे यह बेहतर तरीके से कार्य कर सकती है। हृदय के लिए भी भिंडी बहुत ही फायदेमंद है। इसमें मौजूद पेक्टिन कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है। साथ में इसमें पाया जाने वाला घुलनशील फाइबर रक्त में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, जिससे आपके हृदय के रोग का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। भिंडी का उपयोग डायबिटीज कम करने में भी होता है। इसमें पाया जाने वाला यूकिनॉल डायबिटीज के लिए बेहद फायदेमंद साबित होता है। यह शरीर में शर्करा के स्तर को बढ़ने से रोकता है, जिससे डायबिटीज का खतरा कम हो जाता है। भिंडी एनीमिया में भी काम आता है। इसमें मौजूद आयरन हीमोग्लोबिन का निर्माण करने में सहायक होता है और विटामिन के रक्त स्राव को रोकने में कार्य करता है। भिंडी पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि यह फाइबर से भरपूर सब्जी है। इसमें मौजूद लसलसा फाइबर पाचन तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इससे पेट फूलना, कब्ज, दर्द और गैस जैसी समस्याएं कभी नहीं होंगी। भिंडी खाने से हड्डियां भी मजबूत होती है। इसमें पाया जाने वाला लसलसा पदार्थ हमारे हड्डियों के लिए उपयोगी होता है। इसमें पाया जाने वाला विटामिन के हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होता है। इसे खाने से हमारी इम्यून सिस्टम भी बढ़ती है, जिसके कारण यह बीमारियों के लड़ने में मदद करती है। इसे भोजन में शामिल करने से कई बीमारियां जैसे खांसी, ठंड जैसी समस्याएं भी नहीं होती है। भिंडी हमारे आंखों की रोशनी के लिए फायदेमंद होता है। भिंडी विटामिन ए, बीटा कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जो सेलुलर चपापचय से उपजे मुक्त कणों को समाप्त करने में सहायक होते हैं। यह कण नेत्रहीनता के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा भिंडी मोतियाबिंद से भी बचाती है। तो भिंडी के अनेक फायदे हैं, तो अगर मैं फायदों की लिस्ट गिनाने के लिए बैठ जाऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए आप अपने घर पर ये इस रेसिपी को बनाइए और खाइए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग भिंडी दो प्याजा कैसे बनाते हैं। भिंडी की बहुत सारी रेसिपी मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंच जाए, आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कि भिंडी दो प्याजा कैसे बनती है। भिंडी दो प्याजा रेसिपी बनाने के लिए हमने 250 ग्राम भिंडी ली है। ये तकरीबन 4 आदमी के लिए सफिशियंट है। उसके बाद आप भिंडी को अच्छी तरह से धो लें और अपने मन मुताबिक उसे टुकड़ों में काट लें। इस रेसिपी को हम बहुत कम तेल में बनाएंगे और इसके लिए जो हमने मसाला लिया है, 2 प्याज, 2 टमाटर, 4-5 लहसुन की कली, थोड़ी सी अदरक और ये हमने लिया है अजवाइन 1 चम्मच और ये आधी चम्मच खड़ा काली मिर्च और 1 चम्मच खड़ा जीरा। सबसे पहले आप भिंडी को अच्छे से धोने के बाद इस तरह से टुकड़ों में काट लें। ताकि हमने तैयार करते हैं। इस तरह से आप भिंडी को अच्छी तरह से धोने के बाद काटें। मैं बता देना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि भिंडी धोने के बाद काटनी है, काटने के बाद धोना नहीं। काटने के बाद धोने से भिंडी के जितने भी पौष्टिक तत्व है वो निकल जाते हैं, इसलिए हमें भिंडी पहले धो लेना, उसके बाद काटना। तो इस तरह से हमने भिंडी को काट लिया है। आइए हम नेक्स्ट मैं स्टेप बताता हूं कि आपको प्याज कैसे काटना है। आप एक प्याज को लेयर वाइज काटने में बता दे रहा हूं, मैं दिखा दे रहा हूं दर्शकों को कि आप प्याज का लेयर कैसे हटा के आप उसे अपनी रेसिपी भिंडी दो प्याजा के लिए तैयार करेंगे। आप इस तरह से 4 टुकड़ों में प्याज को काट लें और उसका 4 टुकड़ों में से लेयर को अलग कर लें इस तरह से। इस तरह से आप एक प्याज की लेयर को हटाकर इस तरह से अपना ये कटिंग कर लें प्याज को। ये आप देख सकते हैं मैंने कैसे किया है।
और एक प्याज को बारीक काट लें। और इस तरह से आप एक प्याज को बारीक काट लें। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि आप इस कोरोना संक्रमण के संकट काल में जब भी मार्केट से आप सब्जी खरीदते हैं या प्याज आलू जो भी खरीदते हैं, उसे बिना धोए आप ना बनाएं। ऐसे में हमें सब्जी धोकर ही काटना चाहिए, बनाना चाहिए। आप जब भी मार्केट जाते हैं, वहां से सब्जी लाते हैं, तो आप उसे एक बड़े से टब में गुनगुना पानी में सारी सब्जी को डाल दें और दो तीन पानी से धोने के बाद ही उसका इस्तेमाल करें, जिससे आपका संक्रमण का जो खतरा है बहुत कम हो जाता है। प्याज भी आप जब काटते हैं तो पहले प्याज का जो छिलका है उसे उतार कर आप अच्छे से धो लें प्याज को, उसके बाद उसे बारीक काटें। मैंने वो सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया है जो कि संक्रमण काल में, कोरोना के इस महामारी के संक्रमण काल में हमें खुद को भी बचा के रखना है। इसलिए स्टे सेफ, स्टे होम एंड प्रिपेयर योर ओन रेसिपी एट होम। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आगे इसके बाद हम लोग इस तरह प्याज काटने के बाद हमें मसाला तैयार करना है। ये हमारा जो मसाला है, ये हमने प्याज को चार टुकड़ों में काट लिया है क्योंकि हमें पेस्ट बनाना है। ये हमने टमाटर को चार टुकड़ों में काट लिया है और ये जितना भी मसाला है हमारा, टमाटर, लहसुन, अदरक, ये अजवाइन है, ये जीरा है, ये गुलकी, इस सभी का हमें पेस्ट बना लेना। आइए हम पेस्ट बनाते हैं। ये अजवाइन जो है इसको हम लोग पेस्ट नहीं बनाएंगे, इसे हम लोग छौंकने में यूज करेंगे। आइए हम लोग पेस्ट बनाते हैं अपने मसाले को। और इस तरह से हमने सारे मसाले को एक मिक्सी जार में ले लिया है और ये अजवाइन, याद रखें दोस्तों, अजवाइन आपको पेस्ट बनाने में यूज नहीं करना है, आप इसे अलग रखें, इसका यूज बाद में हमें फ्राई करने में इस्तेमाल होगा। आइए हम लोग मसाला तैयार करते हैं, पेस्ट तैयार करते हैं। ये हम मसाला का पेस्ट बन रहा है और ये हमारा मसाला पिसकर तैयार हो गया। आइए अब अगला स्टेप हम करते हैं और उसके बाद हम एक कढ़ाई चढ़ा देते हैं, उसमें आप 3 चम्मच सरसों का तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कर रहा हूं मैं इस रेसिपी में, 3 चम्मच से ज्यादा नहीं लेंगे, 3 चम्मच टेबल स्पून से 3 चम्मच सरसों का तेल आप गर्म होने के लिए चढ़ा दें। तो ये हमारा तेल गर्म हो गया, अब उसमें जो कटिंग भिंडी और इस भिंडी को आप फ्राई करें, रेड होने तक फ्राई करें, इसे इस तरह से ढक दें, कुछ देर पकने दें, बीच बीच में आप चलाते रहें ताकि अच्छी भिंडी गल न जाए। आइए आप देखते हैं हमारी भिंडी हुई कितनी। आप, मैं दर्शकों को बता दूं कि आप बहुत ज़्यादा इसे स्टीम करना पकाएं, क्योंकि हमें इसे फ्राई करना है, लाल करना है। अगर आप इसे ढक देंगे तो ये भिंडी जो है बहुत ही ज़्यादा मुलायम हो जाएगी, जिससे हमारा रेसिपी उतना बढ़िया नहीं बनेगा। तो आप इसे डायरेक्ट आग में पकाएं। आप देख रहे हैं हमारी भिंडी थोड़ी थोड़ी लाल हो रही है, आप इसी तरह से लाल आपको भिंडी को करना है, जिससे कि हमारी बीज जो है ना छोड़े, इसी उसे पकाने पर वो बीज सारा बाहर आ जाता है और ये जस्ट लाइक आपका चोखा बन जाएगा। तो हमको उस तरह का नहीं बनाना। तो हमारी रेसिपी भिंडी को प्याजा में वो मज़ा नहीं आएगा वो खाने में। और ये हमारी भिंडी पककर तैयार हो गई है, फ्राइड हो गई है। हम इसे एक बर्तन से निकाल लेते हैं और इसी बर्तन में हम जो लेयर वाली प्याज है उसे फ्राई करूँगा। ये देखिए बहुत अच्छी फ्राई हुई हमारी भिंडी। अब इसी कढ़ाई में हम लेयर वाली प्याज को फ्राई करेंगे, आपको अलग से तेल लेने की जरूरत नहीं है, आप इसे भी लाल कर लें प्याज को, इसको पका लें, बहुत ज्यादा जलाना नहीं है, प्याज को ब्राउन कर लें, ब्राउन कलर होने तक आप इसे पकाएं। आइए हम लोग देखते हैं हमारा प्याज पका या नहीं। आइए ये प्याज बिल्कुल पक के तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, आप इसे निकाल लें। बहुत ही सुंदर रेसिपी दिख रही है,
अब हमें मसाला फ्राई करना है तो आप 2 चम्मच सरसों का तेल यूज करें मसाला फ्राई करने के लिए। 2 चम्मच सरसों का तेल जब गर्म हो जाए आप उसमें अजवाइन डालें जो हमने छोड़ दिया था, और उसके बाद उसमें बारीक कटी हुई प्याज को डाल दें। प्याज को ब्राउन होने तक पकाएं। आइए हम देखते हैं हमारा प्याज ब्राउन हुआ है नहीं। ये हमारा प्याज बिल्कुल ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें जो हमने पेस्ट बना के रखा है मसाला, उस मसाले को हम इसमें डाल देंगे। अभी डालते हैं इसमें अपने आवश्यकता अनुसार। आप इसमें 1 चम्मच पहले हल्दी डाल दें, आवश्यकता अनुसार आप उसमें नमक पेस्ट डाल लें। अब आप इस मसाले को अच्छी तरीके से पकाएं, इसे पकने दें। कम से कम इसमें 10 से 15 मिनट लगेंगे पकने में, आप इसे पकने दें। आप अपने आवश्यकता अनुसार स्वादानुसार इसमें हरी मिर्च की कटिंग भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने ये रेसिपी जो बनाया है जिसे बच्चे भी खाएं, इसलिए हमने मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है। आप भी मिर्च का इस्तेमाल ना करें, मिर्च बहुत अधिक ना खाना चाहिए, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें स्वाद में मिर्च की आवश्यकता होती है, तो आप अपने स्वाद अनुसार मिर्च भी डाल सकते हैं। आप बीच बीच में चलाकर देखते रहें। आप इसमें थोड़ा सा आप गर्म मसाला डाल स्वाद के लिए डाल सकते हैं। आप इस तरह से थोड़ी सी गर्म मसाला आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। आप इसमें अच्छे से गर्म मसाले को मिला दें और आप देख सकते हैं, और ये हमारा मसाला बिल्कुल पककर तैयार हो गया है। अब हम इस मसाले में अपने वो फ्राइड लेयर ऑनियन और भिंडी ये दोनों को डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप अच्छे से मिक्स करें मसाले के साथ भिंडी और लेयर ऑनियन को। अब आप इसमें थोड़ी सी टोमेटो सॉस डाल लें और इसे अच्छे से मिला दें। आप 1 मिनट के बाद, 1 मिनट के लिए आप इस तरह से कढ़ाई को ढक दें जिससे कि हमारे नमक और जो हमने भी टोमेटो सॉस डाला है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और ये हमारा 1 मिनट हो गया है, अब आपको फिर से मिला लें और ये आपकी स्वादिष्ट रेसिपी भिंडी दो प्याजा बनकर तैयार हो गई। आप इसे प्लेट में निकाल लें और ये आपकी मजेदार भिंडी दो प्याजा रेसिपी तैयार है। आप उसे बड़े चाव से खा सकते हैं, बच्चे से बड़े चाव से खाएंगे, क्योंकि हमने इसमें मिर्च नहीं दी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हम अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।